पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सभी लोग कोरोना पैंडेमिक में काफी बुरी तरह से फंसे हुए हैं, जिस कारण से ना स्टूडेंट की सही तरह से पढ़ाई हो पा रही है, ना कोचिंग क्लासेस सही से चल पा रहे हैं। तो हम लोग जो है वीडियो ट्यूटोरियल्स के माध्यम से ही आप तक जो भी वीडियो, जो भी मैसेज होता है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज होता है वो आप तक पहुंचाते हैं। जो बच्चे CSIR नेट जो स्पेशलाइज है, जिसके लिए हमारा जो ये चैनल है स्पेशलाइज है CSIR ICMR DPT के लिए, अभी ये कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए हैं। ICMR का अभी एग्जामिनेशन जो 12 जुलाई को होने वाला था नहीं हुआ। DBT ने एडमिट कार्ड तक रिलीज कर दिया था 30 जून के लिए, लेकिन वो भी एग्जाम नहीं हो पाया। CSIR 21 जून को होने वाला था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया क्योंकि MHRD के रिक्वेस्ट पे NTA ने उसका जो एग्जाम का एग्जामिनेशन फॉर्म जो फिलअप होना था वो खुद 30 जून तक हुआ, जिसके कारण तो अभी तक ये सारे डेट पोस्टपोन्ड हो चुके हैं, नहीं हो पा रहे हैं। आप लोग डेट का वेट कर रहे हैं कि चाहे डेट आए तो हम अपनी तैयारी शुरू कर सके। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता भी है कि जब तक डेट नहीं आता है वो पूरी केयरफुली जो होता है पूरी तरह से जो अपना जो 100% देना चाहिए वो नहीं दे पाते। जब डेट आ जाता है तो उनको सिंसियरली वो लोग जो है वो देते हैं। तो ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है वर्तमान में कि कब डेट आएगा, कब एग्जाम होगा। बहुत सारे क्वेश्चन मूव कर रहे हैं हमारे माइंड्स में, लेकिन परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। आपके पास एक अच्छा समय है, आप घर पे हो या कहीं भी हो, आप शांत मन से काम डाउन होकर के तैयारी कीजिए। डेट आ गया है, संभावित डेट आ गया, जो हम अभी आपको बताएंगे, संभावित डेट आ गया, उस डेट को जो है आप माइंड मेकअप करके कि हाँ एग्जाम इसी डेट पे होगा, अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एग्जाम, चूंकि सम टेंटेटिव डेट आ गया तो उसी के आसपास एग्जाम होना चाहिए। अगर मेरे बहुत सारे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप जानते हैं कि जो CSIR है वो साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट करता है। पहला एग्जाम जून में होता है और एक एग्जाम आपका दिसंबर में होता है। जो जून में 21 जून को होने वाला था वो एग्जाम ऑलरेडी पोस्टपोन्ड हो चुका है। उसके लिए जो फॉर्म फिलअप होने वाले थे वो जो विंडो है वो बंद हो चुका है। अभी करेक्शन विंडो खुला हुआ था, आज तक उसका फाइनल डेट था करेक्शन करने का। आप लोगों को ये भी बता दें कि उसमें एक फोटो करेक्शन करना था, जिसमें व्हाइट बैकग्राउंड का नेम एंड डेट के साथ कलर फोटो लगाना था। शायद वो डेट एक्सटेंड हुआ हो, आप एक बार चेक कर लेंगे। NTA की वेबसाइट काफी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, NTA की वेबसाइट चेक करके, आप CSIR NTA की वेबसाइट चेक करके अगर विंडो खुला हुआ हो तो आप उसको चेंज कर लीजिए। वो वैसे बच्चों के लिए भी है जो ऑलरेडी एक फोटो अपलोड कर चुके हैं। तो हम लोग अगर डेट की यहाँ पे बात करें तो डेट जो है, अगर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये एग्जाम जो है वो दिसंबर वाले एग्जाम के साथ मर्ज किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, संस्थान हैं, जिन्होंने बहुत सारी ऐसी संस्थान है जो अपने जो साल में दो बार एग्जाम कंडक्ट करती थी, उन्होंने दोनों एग्जाम को मर्ज कर दिया है। पहला एग्जाम है आपका NDA का नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसका साल में दो बार एग्जाम होता है। पहला एग्जाम आपको अप्रैल में होता है और दूसरा एग्जाम जो होता है वो सितंबर में होता है। तो इसने अप्रैल का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद उसको एग्जाम को सितंबर वाले एग्जाम के साथ मर्ज किया है, जिसका डेट है 6 सितंबर। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, आई थिंक कि वो एग्जाम भी वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको मे बी चेंज करना होगा। तो ये बात आपको NDA के लिए है, वो लोग अपना इसमें सोचेंगे कि उनको क्या करना है सिचुएशन के मुताबिक। दूसरा एक इंस्टीट्यूट है ICAI जो CA का एग्जाम कंडक्ट करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एग्जाम कंडक्ट करता है CA, जो बेसिकली कॉमर्स वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ICAI एक संस्था है, इसको हम लोग कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसने अपना जो एग्जाम है
जो इसका एग्जाम दो बार होता है साल में, एक मई में और दूसरा नवंबर में होता है। मई वाला एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद इसने फाइनली जो है कोई सिचुएशन के मुताबिक जो है अपना मई वाला एग्जाम भी आपको नवंबर वाले एग्जाम के साथ मर्ज कर दिया है। तो इस तरह के संस्थान के ऐसे डिसीजन लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम सीएसआईआर का एग्जाम भी है जो दिसंबर वाले एग्जाम के साथ मर्ज किया जा सकता है। लेकिन अभी हाल ही में 14 जुलाई को जो है वो एमएचआरडी के द्वारा एक रीट्वीट किया गया है। सीएसआईआर के ट्विटर अकाउंट पे आप देख सकते हैं, एमएचआरडी का ट्वीट है जिसमें आप देख सकते हैं कि उसमें बताया गया है कि ये एग्जाम सीएसआईआर एग्जाम जो है वो टेंटेटिवली सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में कंडक्ट किया जाएगा। जून में जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता था वो उसका टेंटेटिवली डेट जो है वो एमएचआरडी ने जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि वो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में किया जाएगा। ये जो ट्वीट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ट्विटर आपका ट्विटर हैंडल पे ये ट्वीट है। हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अपलोड कर देंगे, आप लिंक अपलोड किया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जो सीएसआईआर का ट्विटर हैंडल है वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। हम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाले हुए हैं ऑलरेडी, वहां से आप ट्विटर हैंडल आप सीएसआईआर का खोल के खुद देख सकते हैं। फाइनली हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया है, दिखा रहे हैं कि ये जो ट्विटर हैंडल है सीएसआईआर का, यहाँ पे ऑलरेडी एमएचआरडी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, ट्वीट दिया गया है कि ये जो एग्जाम है वो टेंटेटिवली फाइनल डेट नहीं है। पहली बात, ये संभावना है कि सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, संभावना है। लेकिन एक थोड़ी सी पॉइंट व्यू पे अगर हम लोग सोचें कि अगर एग्जाम को मर्ज नहीं किया जा रहा है, जून का एग्जाम नवंबर में और फिर दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में, तो क्या यह संभव हो सकता है? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम पीरियड में दो एग्जाम सीएसआईआर कंडक्ट नहीं कर पाए। आई थिंक दोनों एग्जाम को या तो मर्ज करके नवंबर में किया जाए या टेंटेटिव डेट डाला गया है, हो सकता है कि इस एग्जाम को फिर दिसंबर में दोनों को एक साथ कंडक्ट किया जाए। तो एग्जाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपका जो मेन मकसद है वो ये है कि ठीक है डेट आ गया है, इसी डेट को लेकर के कम से कम आप जो है अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, 100% अपना दीजिए। आप घर पे हैं, सब कुछ आपके फेवर में है, एक पैंडेमिक है, ये भी धीरे धीरे छट जाएगा, क्योंकि कोई भी जो गलत परिस्थिति, डिफिकल्ट परिस्थिति होती है वो हमेशा के लिए नहीं होती है, आती है फिर जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि अंधेरा के बाद ही उजाले का मजा होता है। तो इसलिए अंधेरा जो है अब धीरे धीरे छट रहा है, छटने वाला है, छट जाएगा, तो उसके बाद जो है उजाला का मजा तभी आएगा जब फाइनली उजाले में आपके हाथ में सीएसआईआर का स्कोर कार्ड होगा और आप सीएसआईआर क्वालिफाई कर चुके होंगे। तो ये डेट को आप टेंटेटिवली मान करके समझ लीजिए कि इस डेट पे 100% एग्जाम होगा, मान लीजिए, और मान करके एग्जाम तो अपना जो प्रिपरेशन है वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि नवंबर में नहीं तो दिसंबर में एग्जाम हो ही जाएंगे। डिपेंड करता है सिचुएशन कैसा हो, लेकिन सिचुएशन दिसंबर तक में भी ठीक हो जाना चाहिए। अभी तक तो सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर से कंप्लीट लॉकडाउन बिहार में भी लग चुका है। 31 जुलाई तक एग्जाम जो आपका लॉकडाउन है वो कंप्लीट लॉकडाउन 31 जुलाई तक बिहार में भी लग चुका है, यानी कि यहां भी जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो अभी केसेज कहीं पे घट नहीं रहे हैं, सिचुएशन काफी डिफिकल्ट है, तो उस पर आपको अभी नहीं सोचना है, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है। हम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, उस पर काम करने वाले अपना काम कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं उस सिचुएशन को सुधारने के लिए, वो हमेशा तत्पर है, लगे हुए, गवर्नमेंट भी लगी हुई है ताकि जल्दी से जल्दी सिचुएशन को सुधारा जाए, क्योंकि ये एक देश का तो है नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड इससे परेशान है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन अलग है, आप अपने स्टडी पे ध्यान दीजिए, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, और इस वीडियो पे हम लोग इसके अलावा ऐसे बहुत सारे अपडेटेड हम लोग आपको आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे नेट कैक वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ, और बहुत सारे प्रिपरेटरी वीडियो जो आपके प्रिपरेशन में सहायक होंगे, बहुत सारे जो आपके सिलेबस से जितने भी सारे टॉपिक है उसे सभी टॉपिक को हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे डाल रहे हैं, तो उससे आप जो है फायदा उठा सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उसको भी फायदा हो। ये जो मैसेज है इसको भी आप जो है जिनको पता अभी तक नहीं है उनको उन तक पहुंचाइए, ताकि वो जो अपना प्रिपरेशन जो है सिंसियरली शुरू कर सके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ट्विटर हैंडल सीएसआईआर का जो ट्विटर हैंडल है उसका लिंक डाल रहे हैं, और इस चैनल का नेट कैकर वीडियो ट्यूटोरियल्स चैनल का भी लिंक डाल रहे हैं। जो नए हमारे व्यूअर्स हैं वो जो है इस चैनल को अगर अच्छा लग रहा है,
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल्स को लिंक पे अपलोड कर, लिंक को खोलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितने भी अपडेटेड जो न्यूज हैं या हमारे एग्जाम से जुड़े जो भी अपडेटेड न्यूज हैं या जो भी प्रिपरेटरी वीडियो हैं जो हम आपके प्रिपरेशन के व्यू से आपको देते हैं, वो आप तक पहुंचाते हैं, आपके सिलेबस के पॉइंट, सिलेबस ऑफ पॉइंट से जो जुड़े वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचाते हैं, वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा सके। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको फायदा हो सके।